देख रुकी मैं तुम्हें रबिया, कहां तक जाओगी तुम? कौन? क्या बात है? बहुत परेशान लग रही हैं आप आंटी। किस बात पर? यही कि असद ने वहां पर दूसरी शादी कर ली है और उसके बच्चे का बाप बन गया। तुम्हें कैसे पता चला? असद ने बताया तुम्हें? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आप दोनों बात कर रहे थे तो मैंने आप लोगों की बात सुनी। अच्छा, कीप योर वॉइस डाउन। नहीं, क्यों? कीप माय वॉइस डाउन इसलिए कि ज़ारा ना सुने। तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते हो? देखिए आंटी, टॉर्चर मैं नहीं कर रहा, टॉर्चर आप अपने आप को खुद करिए। रोके ना असद को, लगाए ना पाबंदी, पूछे कौन है वो लड़की, क्यों कर रहा ज़ारा के साथ ऐसे। मैं उसे उस वक्त रोक सकी थी जब वो इस घर में उसको लेके आ रहा था। क्या समझते हो, मैं अपसेट नहीं हूं, परेशान नहीं हूं। ऑफ कोर्स आई एम। ठीक है, इनिशियली मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा इससे शादी करे, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ज़ारा अच्छी लड़की है। मैंने उसे दिलो जान से ना एक्सेप्ट कर लिया और अब ये नया ड्रामा शुरू हो गया है। देखिए आंटी, मुझे नहीं पता ड्रामा हो या ना हो, आप सिर्फ असद को जाने की इजाजत ना दें। असद ने अपनी पसंद की शादी की, ज़ारा को घर ले आया, अब उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? देखिए आंटी, मैं कहता हूं कि ज़ारा को सब कुछ बता देना चाहिए। उस बेचारी को अंधेरे में क्यों रखें? ज्यादती हो रही है उसके साथ। अशर, प्लीज, मुझे इस वक्त ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं क्या कर सकता हूँ? देखो जो भी है ना, असद रुकेगा नहीं। आप को कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि हमसे डर के ना वो रुक जाएगा। आंटी किस तरह की बातें कर रही हैं, वो क्यों नहीं रुकेगा और आपकी बात क्यों नहीं मानेगा? पता नहीं क्यों, मुझे तो हमेशा ऐसा लगा है जैसे जिंदगी के हर मोड़ पे ना मेरे बच्चों ने बाप ना होने का फायदा उठाया, या फिर मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है। जो भी है ना, ज़ारा ना असद से बहुत मोहब्बत करती है। उसको अगर ये सब पता चल गया ना तो शी विल बी डेवास्टेटेड। उसे नहीं पता चलना चाहिए। देखो तुम मेरी मदद करोगे ना, वी हैंडल द सिचुएशन, करोगे ना मेरी मदद तुम ज़ारा की खातिर? हाँ, तुम इसी तरह रोती रही तो मैं कैसे? तो तुम नहीं जा पाओगे, है ना? यही ना? बहुत मजबूर हूं मैं ज़ारा, जाना पड़ेगा। तो फिर रोने दो मुझे। ज़ारा, मुझे तो खुद से ज्यादा तुम पे एतमाद है, भरोसा है कि तुम समझोगी इस बात को। ज़ारा, मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त, पूरी तरह फंस चुका हूँ वहाँ पे। तो खत्म कर दो ना ये परेशानियाँ सर, हम यहाँ आराम से साथ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं सर। मामा ने मुझे वहां सेटल करने के लिए इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कैसे वापस आ जाऊं ज़ारा? बहुत दुख होगा उन्हें, बहुत नुकसान भी होगा। असद, हम एक साथ रह के ही खुश रह सकते हैं बस। तुम वहां, मैं यहां,
इस तरह तो हम दोनों परेशान रहेंगे ना। तुम प्लीज मम्मा से बोलो कि तुम्हें ना भेजें, प्लीज मत जाओ, चलो। अच्छा, मैं बात करता हूँ उनसे। पक्का वादा, मैं बात करूँगा उनसे। लेकिन फिलहाल मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि वहां पे जाके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगा। अगर सेटल ना हो पाया तो मामा से पक्का कह दूंगा कि मैं बस सब कुछ रैप अप करके वापस आ रहा हूँ। सारा के बगैर नहीं प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई, साथ भी हाथ भी ना छोड़े, खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तोड़े तोड़े। अमीर होगी तो अपने घर की होगी, हम भी गिरे पड़े नहीं है जो इसके नखरे बर्दाश्त करे। करने तो पड़ेंगे बर्दाश्त, वरना अपना बच्चा हाथ से जाएगा। ऐसे कैसे जाएगा हाथ से, क्या है उसके पास? इसीलिए आपके दूल्हा भाई ने जमीन जायदाद अपने नाम रखी हुई है ताकि बेटा अपने काबू में रहे। भाई ये तो बड़ी अकलमंदी का काम किया है दूल्हा भाई ने, लेकिन देखना ये लड़की जरूर अपने काशिफ को अलग करेगी। अलग रह के कहाँ रहेंगे वो लोग, सड़क पे रहेंगे? भाई उसकी माँ बहुत अमीर है ना, घर दामाद बनकर भी तो रह सकता है। देखो कुछ भी करके बेटे को मुट्ठी में रखना। से आप कह तो सही रहे हैं। मम्मा आप प्लीज असद से बोले वो कुछ दिन और रुक जाए। मम्मा आपकी बात तो वो फौरन मान लेंगे। मम्मा प्लीज। मैं नहीं चाह रही थी कि वो जाए, लेकिन वहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन गई है कि मजबूरन जाना पड़ रहा है उसे। मम्मा सिचुएशन तो यहाँ से भी हैंडल हो सकती है ना, मैंने इतना इंतजार किया असद का, इतनी दुआएं मांगी, मम्मा वो इतनी जल्दी जा रहे हैं, प्लीज आप कुछ करें, आप मम्मा प्लीज उनसे बोलें कि प्लीज आप असद से बात करें ना, कुछ करें ना मम्मा जल्दी प्लीज। अभी निदा का फोन आया था, वो दोनों यहाँ आ रहे हैं। मैंने उसको बताना है कि उसका भाई उसके वली में के लिए यहाँ पे होगा नहीं, उसे हैंडल करना पड़ेगा। इस वक्त ना तुम मेरा साथ दो तो।